हालेलुया, सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने एक बार फिर से मुझे मौका दिया कि मैं आप लोगों के बीच में आ सकूँ। बहुत से लोगों ने जब मैंने लास्ट टाइम जो है गवाही अपनी शेयर की थी सभी के साथ, तो बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि सिस्टर आप हमारे लिए प्रेयर करें, तो मैं किसी वजह से नहीं आ पा रही थी। तो आज मुझे परमेश्वर ने फिर से अगवाई किया है कि मैं आप लोगों के साथ जो है छोटा सा परमेश्वर के वचन को बांटूँ और उसके बाद मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूँ। हालेलुया। तो बहुत से लोगों ने उस समय कमेंट किए थे कि हमारी परेशानियों के लिए प्रेयर करें, हम आत्मा में बढ़ना चाहते हैं, या फिर हमारे पारिवारिक समस्याएं हमारे जीवन में चल रही हैं। बहुत से लोगों ने कमेंट किए थे, और अभी कुछ लेटेस्ट जो है एक भाई ने भी मेरी गवाही अपने चैनल पे डाली थी, तो वहाँ भी मैंने जब उसको देखा तो वहाँ भी बहुत से लोगों ने कमेंट किए थे कि सिस्टर हमारे लिए प्लीज़ प्रेयर करें। तो आज मैं आप लोगों के लिए स्पेशल प्रार्थना करने के लिए आई हूँ, लेकिन उसके लिए उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा प्रभु का वचन के द्वारा आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। परमेश्वर ने अपने वचन में कहा, यूहन्ना की पुस्तक उसका 16 अध्याय और उसका 33 वचन में कह रहे कि संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढांढस बंधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने वचन में ये कहा कि संसार में तुम्हें क्या होता है, क्लेश होता है। तो आज हम संसार में रहते हैं और क्लेश है, कोई बीमारी की वजह से परेशान है, कोई अपने पारिवारिक समस्याओं की वजह से परेशान है, कोई अपने फैमिली रिलेशन की वजह से परेशान है, कोई फाइनेंस की वजह से परेशान है, जवान जो है बहुत से नशों में पड़ चुके हैं, कोई इस वजह से परेशान है, कुछ बहुत से जो लोग हैं पहले प्रभु में थे लेकिन अब बैकस्लाइड हो चुके हैं और बहुत से परेशान हैं। अब सोचते हैं कि हम दोबारा से परमेश्वर के पास जाएंगे, क्या हमें माफ़ी मिल जाएगी या नहीं मिलेगी। तो ये संसार है और इस संसार में सभी जो पूरी दुनिया जो है वो दुखों से भरी पड़ी है, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों से एक वायदा करते हैं, कहते हैं कि तुम इस संसार में रहते हो तुम्हें क्लेश होता है, लेकिन ढांढस बांधो, मैंने इस संसार को जीत लिया। हालेलुया। जो प्रभु के लोग हैं, प्रभु के प्रेमी लोग हैं, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि आप सिर्फ दो काम कीजिए। पहला जो है परमेश्वर में पवित्रता से जीवन जिए, डर भय में, और परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार अपनी ज़िंदगी को जीवन जो है अपना जीना स्टार्ट कीजिए। हालेलुया। और दूसरी बात, अगर आप धर्मी हैं और प्रभु के डर भय में जीवन जी रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार जीवन जी रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके जीवन में क्लेश हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने संसार को जीत लिया है। आप अपना रोल अदा करते रहें और एक दिन आएगा परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बदल के रख देगा। हालेलुया। क्योंकि कोई बीमारी, कोई दुख, कोई क्लेश, कोई टेंशन, कोई डिप्रेशन, कोई भी लड़ाई झगड़ा, कोई भी गरीबी, कोई भी कर्ज जो है वो इतना बड़ा नहीं है कि परमेश्वर जो है उन कामों को ना कर सके। हालेलुया। कहीं ना कहीं इंसान की अपनी गलतियों की वजह से भी परीक्षाओं में फंस जाते हैं, और कई बार परमेश्वर धर्मियों को परखते हैं। हालेलुया। अगर हम धर्मी हैं और हमारी परख हो रही है, तो इसका धर्मी है और हमारी परमेश्वर जो परख कर रहे हैं तो भी प्रभु आपको ब्लेस करेंगे। और अगर जो आपसे कोई गलती हो चुकी है और गलतियों की वजह से आप जो है अपनी परेशानियों में फंसे हैं, तो एक बार ज़रूर परमेश्वर के पास जाएँ, उसके सिंहासन के पास जाएँ और पवित्र आत्मा को कहें कि पवित्र आत्मा, ये जो मेरे जीवन में समस्या चल रही है, क्या ये मेरे पापों की वजह से है? और पवित्र आत्मा आपको ज़रूर जवाब देंगे। आपके पाप जो हैं, अगर गुनाहों की वजह से आपकी ज़िंदगी में कोई समस्या आई है, क्योंकि किसी भी समस्या का हल जो है हमें उसके पहले जड़ पता होनी चाहिए कि ये समस्या हमारे जीवन में जो आई है वो किस वजह से आई है, क्या हमारे पापों की वजह से है या फिर हमें हमारी परख हो रही है। हालेलुया। क्योंकि भजन संहिता में परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर धर्मी को परखता है। हालेलुया। तो ये हमने देखना है। और जब आप घुटनों के बल परमेश्वर के पास बड़ी दीनता और नम्रता के साथ जाएंगे और कहेंगे, प्रभु अगर मुझसे कोई गलती हुई है, मेरे जीवन में जो ये समस्या है परमेश्वर, क्या ये मेरे पापों की वजह से है, तो पवित्र आत्मा जी मेरे गुप्त के अपराधों को मेरे सामने मुझे दिखा दीजिए। हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि पवित्र आत्मा ज़रूर, जब आप दिल से ऐसा बोलेंगे तो पवित्र आत्मा ज़रूर आपको दिखाएंगे कि कहाँ पे गलती हुई है, और तुरंत पश्चाताप करें, मन फिराएं और परमेश्वर के पास आएं और अपना जीवन तुरंत सेट करें, और देखना आपकी समस्याएं परमेश्वर ज़रूर सॉल्व करेंगे।
हालेलुया, क्योंकि प्रभु का वायदा है। परमेश्वर में मैंने उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक मैंने कहीं भी ऐसा नहीं पढ़ा कि जो लोग धर्मी जीवन जीते हैं वो सदा के लिए जो है अपना परेशानियों में, गरीबियों में या किसी भी बुरी चीज़ों में अपना जीवन बिता देते हैं। हालेलुया, मैंने अभी तक ऐसा नहीं पढ़ा बाइबल के अंदर, क्योंकि बाइबल के अंदर ऐसा लिखा भी नहीं है। बाइबल के अंदर ये लिखा है कि हम धर्मी हैं तो धर्मी को ज़रूर प्रतिफल मिलता है, उसके मेहनत का फल जो है परमेश्वर ज़रूर देता है, आज नहीं तो कल परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में जो आप बो रहे हैं वो ज़रूर आप काटेंगे। हालेलुया, तो ढांढस बांधे, परमेश्वर आपके साथ है, वो आपसे प्रेम करता है। अगर गलती हो चुकी और प्रभु के पास दोबारा से वापस आना चाहते हैं तो आज ही मन फिराएं, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम अपने पापों में मरें, लेकिन परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम मन फिराकर अपने पश्चाताप करके दोबारा से अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ सेट करें और फिर से हम परमेश्वर के साथ चलें और प्रभु हमारी ज़िंदगी को नया करें। हालेलुया, हमें अब वो समय आ चुका है कि हर एक इंसान को जो खो चुका है आज पापों में, उड़ाऊ पुत्र की तरह सब कुछ उसने अपना लुटा दिया है, हालेलुया, तो उसे अब समय है कि परमेश्वर हमारा पिता जो वो इंतज़ार कर रहा है कि मेरा पुत्र जो है अपने आपे में आए और पश्चाताप करके दोबारा से पिता के पास जाए। हालेलुया, तो फिर से मन फिराएं, किसी से गलती हो चुकी, अगर अपने पापों की वजह से आप प्रभु से दूर हो चुके हैं तो प्रभु अभी भी आपसे दूर नहीं है, वो अभी भी आपसे प्रेम करते हैं, उस पिता की तरह, उस उड़ाऊ पुत्र के पिता की तरह परमेश्वर आज भी आपसे प्रेम करते हैं और वो इंतज़ार में है कि मेरा बेटा मेरी बेटी जो है आज भी मेरे पास आए और फिर से वो आपके मैले चीथड़े कपड़ों को उतारेंगे जो पाप से गंदे हो चुके हैं और अपना वस्त्र वो पिता आपको पहनाएगा जो पवित्रताई का वस्त्र है, आपके हाथों में अपनी अंगूठी डालेंगे और पाँव में सुंदर जूती पहनाएगा। हालेलुया, बस देरी किस बात की है, सिर्फ आप एक ही काम करें, अपना मन फिराएं और दोबारा से प्रभु के पास जाएं, और अगर ऐसा नहीं है तो परमेश्वर में धीरज रखें और सिर्फ भरोसा रखें कि हर परिस्थिति में परमेश्वर आपके साथ है। अगर आप धर्मी और फिर भी दुख में हैं तो परमेश्वर अभी भी आपके साथ है। जो परिस्थिति आपके जीवन में आ रही है वो परमेश्वर से छुपी हुई नहीं है, परमेश्वर जानते हैं आपकी परिस्थिति को और ज़रूर आपको किसी बड़े काम के लिए तैयार कर रहे हैं, ज़रूर प्रभु अपने किसी बड़े अद्भुत काम के लिए आपकी तैयारी कर रहे हैं। हालेलुया, आपको सिर्फ भरोसा रखना है, बने रहना है, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार अपना जीवन बिताना है। अगर पाप में गिर गए हैं तो कोई बात नहीं, मन फिराओ, वापस आओ, परमेश्वर आपको फिर से अपने गले से लगाएगा। परमेश्वर कठोर नहीं है, प्रभु दयालु परमेश्वर है। हालेलुया, वो अपने बच्चों से प्रेम करते हैं। हालेलुया, तो आए मैं अब आप लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ और विश्वास करना कि परमेश्वर ज़रूर आपके जीवन में काम करेंगे और मेरा भी विश्वास है कि परमेश्वर ज़रूर आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। हालेलुया, आए हम सब मिलकर प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया, धन्यवाद लॉर्ड जीसस, पवित्र पवित्र सेनाओं के यहोवा, परमेश्वर पिता, खुदावंत पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए प्रभु। जो भी आज वचन का बीज बोया गया प्रभु, तेरे लोगों के जीवन में 100 गुना फल को लेकर आए मेरे पिता। आज जिन भी लोगों को प्रभु मैं नहीं जानती किसको ज़रूरत है प्रभु, लेकिन आप जानते हैं प्रभु, जो भी लोग सुन रहे हैं परमेश्वर पिता परमेश्वर, मैं नहीं जानती उनकी क्या समस्याएं हैं पिता, लेकिन प्रभु आप जानते हैं प्रभु, उनकी सारी समस्याओं को प्रभु मैं आपके हाथों में देती, आपके सिंहासन के पास लेकर आती पिता, और तेरी बेटी होने के नाते परमेश्वर मैं प्रार्थना करती तेरे बच्चों के लिए प्रभु, अपने बच्चों को छुएं, चंगा करें, जो बीमारी में है उनको चंगा करें मेरे पिता, जिन्होंने भी कमेंट किए पिता परमेश्वर कि खुदावंत प्रभु जी उनके लिए प्रार्थना की जाए प्रभु, मैं उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो प्रभु तुझसे दूर हो चुके हैं पापों की वजह से, वो फिर से मन फिराकर तेरे पास आए लॉर्ड जीसस, और तू उनको अपने गले से लगाए मेरे पिता परमेश्वर। खुदावंत पिता, जो बीमारियों में पड़े हैं परमेश्वर, खुदावंद उनको चंगा कीजिए पिता, अपना कीलों से छिदा हुआ हाथ रखें इसी समय प्रभु, जो जहाँ भी है पिता इसी समय प्रभु आपका चंगा करने वाला हाथ उनके ऊपर आ जाए और वो चंगे हो जाए मेरे पिता, ताकि आपके नाम की महिमा कर सके, बड़ाई कर सके पिता। आप अपने वचन को भेजकर अपने लोगों को चंगा करते हैं पिता, और जिस गड्ढे में वे पड़े उससे आप उनको बाहर निकालते हैं पिता। खुदावंद जिनके परिवारों में कोई प्रॉब्लम चल रही है परमेश्वर पिता, उनके परिवारों को भी सेट करें मेरे पिता परमेश्वर। खुदावंद पति पत्नी के रिश्ते जुड़ जाए मेरे पिता,
पिता परमेश्वर आपके नाम से, क्योंकि आपके वचन में लिखा पिता कि जिसे आपने जोड़ा उसे कोई भी मनुष्य अलग ना करने पाए। खुदावन जो भी गलत फहमियाँ किसी भी प्रकार से किसी के भी जीवन में चल रही है प्रभु, तेरे नाम से दूर हो जाए और वो परिवार जुड़ जाए पिता। किसी बहनों को अगर बच्चे की आशीष चाहिए पिता, तो तेरी बेटी होने के नाते मैं उनके गर्भ को प्रभु जी ब्लेस कर देती मेरे पिता परमेश्वर। वो बेटियाँ प्रभु तेरे नाम से कंसीव करे प्रभु जी, और प्रभु जी उनको आशीष दे मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी संतान सुख दे प्रभु जी खुदावंद पिता परमेश्वर। खुदावंद तेरी महिमा चाहते, जैसे तूने सारा को दिया, हन्नो को दिया प्रभु, ऐसे अपनी बेटियों को भी दीजिए मेरे पिता, जो अपने पतियों के लिए प्रार्थना कर रही है, जिनके परिवार अभी तक नहीं बदले प्रभु, जो नशों में है जिनके पति पिता परमेश्वर, उन भाइयों के जीवन से नशे चले जाए पिता। ऐ नशे वाली दुष्ट आत्माओं में तुम्हें यीशु के नाम में डांट देती, इसी समय इनके जीवनों को छोड़कर बाहर निकल जाओ, तुम्हारे उनके जीवन में कोई भी अधिकार नहीं। छू लीजिए पवित्र आत्मा जी प्रभु जी, अगर कोई समय फाइनेंस की वजह से परेशान प्रभु, किसी के पास अच्छा काम नहीं है, कोई बिजनेस करना चाहता प्रभु खुदावंत पिता, तो उनको अच्छे बिजनेस देकर ब्लेस करे पिता खुदावंत मेरे पिता परमेश्वर जी। सच्चे जिंदा सामर्थ्य प्रभु नौकरियों को ब्लेस करे, अगर किसी के पास नौकरी नहीं प्रभु, उनको अच्छी जॉब देकर ब्लेस कीजिए मेरे पिता, ताकि आपके नाम की महिमा कर सके मेरे पिता, क्योंकि आप हमारे लिए कंगाल हो गए ताकि हम आपके लिए धनवान हो जाए पिता खुदावंत। आप नहीं चाहते कि कोई भी जन नाश हो पिता खुदावंत। अगर कोई पिता परमेश्वर पाप में डूब कर तुझसे दूर हो गया प्रभु, तो खुदावंद वो फिर से अपना मन फिराए, आज का वचन उससे बात करे मेरे पिता परमेश्वर जी, और तेरे पास है और फिर से वो बचाया जाए मेरे पिता। जो भी है प्रभु, मैं नहीं जानती प्रभु आज के वचन की किसको जरूरत थी पिता, लेकिन आप जानते हैं परमेश्वर पिता। आपने मुझे प्रभु जी कायल किया पिता परमेश्वर, कि मैं तेरे लोगों को छोटे से वचन के द्वारा प्रभु जी मोटिवेट कर सकूं पिता, उनके लिए प्रार्थना कर सकूं पिता परमेश्वर। खुदावंद मैं आपका शुक्र करती प्रभु, मैं किसी चीज के काबिल नहीं थी, लेकिन ये आपका अनुग्रह है प्रभु कि आप मुझे अपनी हजूरी में लेकर आए मेरे पिता परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूं प्रभु कि आपके अनुग्रह से जब मैं आई प्रभु, तो आप जरूर मेरी प्रार्थनाओं को सुनेंगे। जिन बच्चों के लिए मैंने प्रार्थना की परमेश्वर, उनकी जो भी समस्या है, सारी समस्याओं को प्रभु आपके सिंहासन के पास लेकर आते पिता। हर एक जन की समस्याओं को प्रभु जी आप दूर करें, जिनके बच्चे बिगड़ चुके हैं प्रभु खुदावंद, उनके बच्चों को भी सुधारे मेरे पिता परमेश्वर। खुदावंद तेरी महिमा चाहते पिता, इनका वंश प्रभु इस पृथ्वी पर पराक्रमी बने मेरे पिता परमेश्वर। छू लीजिए मेरे पिता, एक एक जन को छुए और ब्लेस करे पिता। हर एक जन को प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपती, आपके लहू में छुपाती। आपने कहा प्रभु, अगर तुम विश्वास करोगे तो मेरी महिमा को देखोगे। आपने कहा पिता, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। प्रभु मेरा विश्वास है, आपने कर दिया, आपका धन्यवाद करते। सारी महिमा दर जलाल प्रभु जी आपके बड़े नाम को देते पिता, धन्यवाद करते प्रभु। छूने के लिए, ब्लेस करने के लिए, प्रार्थना को सुनने के लिए आपने कहा, जो तुम प्रार्थना में विश्वास से मेरे नाम से कुछ भी मांगोगे मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। प्रभु जी मैं विश्वास से मांगती और विश्वास करते आपने कर दिया, आपका धन्यवाद करते। सारी महिमा आपके नाम को देते, धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन हालेलुया। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे, बरकत दे। जो भी आज के वचन के द्वारा आशीष पाए, ज़रूर कमेंट करके आप बताएं। और प्रभु ने अगर फिर से चाहा तो फिर से मैं बहुत जल्द एक और मैसेज लेके आपके पास जो है आऊँगी ज़रूर। हालेलुया। तो आप हमारे लिए भी प्रार्थनाएं करते रहें। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे, बरकत दे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।